क्या ये अजीब नहीं है कि WWE के इतने सारे प्रीमियम लाइव इवेंट अब US के बाहर हो रहे हैं। अब आप उससे कहोगे कि यार इससे क्या चीज़ फ़र्क पड़ती है, इससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा WWE के इवेंट US में हो या US के बाहर हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि WWE के 2023 के मेन इवेंट्स मतलब प्रीमियम लाइव इवेंट्स अगर आप शुरुआत से देखो, एलिमिनेशन चेंबर हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा में, उसके बाद बैकलैश हुआ है पुर्तो रिको में, नाइट ऑफ चैंपियंस होता है हमारा सऊदी अरेबिया में जो कि एक पार्ट था सऊदी अरेबिया और WWE की एक डील का जो कि 10 ईयर की डील उन्होंने साइन करी थी, तो उसी के कारण उनको दो लाइव इवेंट सऊदी अरेबिया में हर साल देने हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं अब जो मनी इन द बैंक होगा वो होगा बेसिकली O2 अरीना लंदन UK में, वो भी US में नहीं हो रहा है। तो अब आपको यार उससे क्या ही फर्क पड़ता है, WWE की स्टोरीज अच्छी होनी चाहिए, उसके मैचेस अच्छे होने चाहिए, अब वो US में हो या US के बाहर उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि WWE को और हम ऑडियंस को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब आप पूछोगे वो कैसे, अब मैं आपको बेसिकली बता दूं, आपने कभी कभी सोचा होगा कि भाई जब यहाँ पे हमारा नाइट ऑफ चैंपियंस में मुस्तफा अली का मैच होता सऊदी अरेबिया में, तब उनका मैच होता गंथर से, वो भी IC चैंपियनशिप के लिए यानी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, और उसके कुछ दिन बाद ही जब उनका मैच होता है LA नाइट से, तो LA नाइट उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आपको ये लगा होगा सोच के कह रहे क्या हुआ, अभी ये बंदा गंथर से फाइट कर रहा था और अभी बंदा अचानक से LA नाइट से पिटने लग गया। चलो वो वाला सिनेरियो भी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, मैं आपको एक और नया सिनेरियो देता हूं। मैं आपको दो सुपरस्टार्स के नाम बताता हूं और आप बताना कि ऐसा कौन सा सुपरस्टार है जो उन दोनों को हरा सकता है। एक तरफ है हमारे वाइपर रैंडी ऑर्टन और दूसरी तरफ है हमारे द फिनोमिनल वन AJ स्टाइल्स। इन दो सुपरस्टार्स के अलावा उस बंदे ने पूरे के पूरे 10 बंदों को हराया, ऐसा कौन सा सुपरस्टार है। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जिंदर महाल के बारे में। जिंदर महाल को 2017 में WWE ने इतना ज्यादा पुश दिया कि भाई रैंडी ऑर्टन जैसे सुपरस्टार, AJ स्टाइल जैसे सुपरस्टार को उन्होंने कई बार हराया है, शिंजो के नाकामुरा ने उनको हराया था बाद में जाके। भाई मतलब मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि WWE ऐसा क्यों कर रहा है। एक बार थर्ड सिनेरियो लेके देखते हैं, शैंकी सिंह नाम का सुपरस्टार WWE के अंदर आता है, कोई उन्हें जानता नहीं है, वहां पे हमारे रिंकू राजपूत भी है और जिंदर महाल भी है, आते उनको स्टोरीलाइन ऐसे मिल जाती है कि उनको ड्रू टायर से 30 से ज्यादा चेयर शॉट अपने बैक पे खाने हैं। उससे WWE को क्या फायदा हो रहा है, उसमें WWE का सिर्फ एक ही फायदा है जिसको हम प्यार से बुलाते हैं पैसा, रोकड़ा, धन, मनी, रुपया या कुछ भी आप बोल लो। जी हाँ, WWE को बहुत अंधा पैसा मिलता है कुछ ऐसे सुपरस्टार्स को पुश करके जहाँ पे उनको पता होता है कि इस कंट्री से हमारी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा आएगी। फॉर एग्जांपल इंडिया का आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो, फॉर एग्जांपल आप सऊदी अरेबिया ले सकते हो, फॉर एग्जांपल आप साउथ अफ्रीका ले सकते हो। अब आप सोचोगे कि इन तीन कंट्रीज़ में ऐसा क्या खास बात है। अब मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि इंडिया की व्यूअरशिप जब 2021 में निकाली गई कि WWE की कितनी आ रही है, तो वो वहाँ पे निकल के आती है कि 4 मिलियन व्यूअर्स उनको रॉ पे मिल रहे हैं और ऑलमोस्ट 3 मिलियन व्यूअर्स के आसपास उनको स्मैकडाउन पे मिल रहे हैं। मैं आपको बता दूं ये ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा है जो US से आती है उनकी रॉ की व्यूअरशिप। अब आप खुद ही यहाँ पे ये हिसाब लगा सकते हो कि WWE को कितने ज्यादा बंदे इंडिया से देखते हैं, चाहे रॉ जैसा पिटा हुआ शो हो जाए या फिर स्मैकडाउन जैसा OP शो हो जाए, इंडिया से बहुत ज्यादा व्यूशिप उनको जाती है। इसीलिए ही शैंकी सिंह जैसे सुपरस्टार्स को WWE में लाया जाता है, उन्हें बस स्क्रीनिंग दी जाती है स्क्रीन पे, यानी कि टीवी टाइमिंग उनको दिया जाता है, पर उसके अलावा WWE को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे वो बंदा ड्रू मैकइंटायर से पिट रहा है या फिर वो बंदा आके नाच रहा है, WWE को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सऊदी अरेबिया में शो होता है उनका, उनको पता है कि 2 साल उनके शो होंगे। अगर आपको यह नहीं पता सऊदी अरेबिया से उनको कितने पैसे मिल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं एक नई यहाँ पे डील साइन हुई है, जीरो न्यूज की तरफ से ये रिपोर्ट हमारे सामने आई है कि भाई जो WWE है उसने सऊदी के साथ एक डील साइन करी है 3 साल की, उसमें WWE को वहां पे 2 शो देने हैं सऊदी अरेबिया में हर साल, और उससे उनको मिलेंगे ऑलमोस्ट 150 to 200 million dollars। अगर आपको ये नहीं पता ये कितना होता, तो ये होता है 1200 करोड़ से भी ज्यादा। अब आप खुद ही यहां पे अंदाजा लगा लो कि WWE कितना ज्यादा कमा रहा है सिर्फ सऊदी अरेबिया के शोज। तो अगर कोई कंपनी इतना ज्यादा कमा रही है, तो एक सुपरस्टार को पुश देना और वहां पे जितने भी ऑडियंस आई है उसको खुश करना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है WWE के लिए। मैं आपको बता दूं 150 million to 200 million dollars किसी अच्छी खासी मूवी की कमाई भी नहीं होती जितना WWE कमा लेता है। और मैं आपको बता दूं वहां पे मेन पैसा जाता है उनके बॉस के पास, यानी कि अभी कौन है WWE का हेड ऑफ द क्रिएटिव, वो है Triple H। उसके अलावा यहां पे पूरी क्रू होती है बैक स्टेज, बहुत सारे और लोग होते हैं जिनको वो सारा पैसा जो है चला जाता है। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई इसमें सारी WWE की गलती है कि वो ऐसे सुपरस्टार्स को पुश करता है जहाँ से उनको फायदा मिल रहा है, तो क्या हमें WWE को ही दोष देना चाहिए, क्या WWE बुरी है, क्या हमें WWE को नहीं देखना चाहिए? तो मैं इसका साफ शब्दों में आंसर दूंगा, जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कोई हेट नहीं फैला रहा हूँ WWE के खिलाफ, क्योंकि मैं भी तो उसी को देखता हूँ भाई, मैं भी तो उसी को देख के खुश होता हूँ। मैं आपको बता दूँ इसमें सारी गलती WWE की नहीं है, कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ के सुपरस्टार्स कुछ ऐसे हैं जो हमेशा से फेमस रहे हैं। फॉर एग्जांपल योकोजुना, अगर आप इसी अपोजिट साइड देखो, योकोजुना जापान से बिलोंग करते थे लेकिन वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल हुए WWE में, वो हॉल ऑफ फेमर भी बने और उन्होंने अंडरटेकर, हल्क होगन जैसे सुपरस्टार को हराया भी है।
अच्छा, आप कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जॉन सिना को पहले यूएस चैंपियन बहुत ज़्यादा बनाया जाता था क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा सिग्निफाई किया जाता है यूएस मिलिट्री से, और यूएस मिलिट्री को खुश करने के लिए, यूएस के सिटीजन्स को खुश करने के लिए वो बार बार यहाँ पे रॉ पे आते थे, बार बार वो वीकली आते थे और वो यूएस ओपन चैलेंज देते थे, और उनके उसके बाद उनकी फाइट होती थी अलग अलग सुपरस्टार से जहाँ पे वो यूएस चैंपियनशिप डिफेंड करते थे, और उसके बाद यूएस की ऑडियंस में उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिला करता था। अब देखो, ये तो एक बहुत ही नॉर्मल सी बात होगी कि जो बंदा ज़्यादा रिलेट करता है यूएस की ऑडियंस से उसको ज़्यादा पुश दो, तो उसमें तो हम कुछ भी गलत नहीं कह सकते। और जॉन सीना जैसे बंदे को हम किसी से भी क्या ही कंपेयर करें, उस बंदे ने जितना रेसलिंग के लिए किया उसने उसके अलावा मुझे नहीं पता किस बंदे ने और करा है उस एरा में जब जरूरत थी। यहां पे हम इंडियन सुपरस्टार जिंदर महल और शैंकी सिंह की बात करें, वहीं पे अगर हम हमारे द ग्रेट खली को देखें तो उन्होंने अपने डेब्यू के साथ ही द अंडरटेकर जैसे सुपरस्टार को हराया है, उन्होंने जॉन सीना को हराया, उन्होंने बटिस्टा को हराया, उन्होंने बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स को हराया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि भाई हमारे जो पूरी WWE है उसमें कोई खोट नहीं है। WWE थोड़ा सा फायदा उठाना जानती है। मैं आपको बता दूं, जो उनके पूरे कर्ता धरता थे पहले विंस मैकमैन, उनको ये लगता था कि भाई सुपरस्टार्स ऐसे होने चाहिए जो काइंड ऑफ वॉरियर लगे, थोड़ा सा ओल्ड स्कूल लगे, तभी वो सबको जो है ओल्ड स्कूल वॉरियर जैसी वाइब देते थे। लेकिन अब जो हमारे WWE के कर्ता धरता है वो है हेड ऑफ द क्रिएटिव Triple H। ये जब से Triple H आए हैं थोड़ा सा WWE का रंग हमें बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा अभी भी जब जिंदर महल और इंदर शेर WWE में आते हमें दिखाई देते हैं तो उसमें आपको पता है कि उन्होंने कैसे कोट पहना हुआ है, उन्होंने प्रॉपर फॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं, जो वो फाइट भी करने जा रहे हैं उसमें भी एक मतलब तहजीब दिखाई दे रही है, उसमें एक अलग सी अदा दिखाई दे रही है, वो हमें उतना ज़्यादा खराब नहीं लग रहा जैसा पहले लगा करता था। तो इसीलिए ही WWE भी अपनी गलतियों से सीख रहा है। आपको पता है कि अगर कोई बंदे को कमाना है, किसी कंपनी को कमाना है, तो उसको पता होना चाहिए कि भाई कहाँ से उसकी व्यूशिप सबसे ज़्यादा आ रही है। और ये भाई हमारी गलती नहीं है कि इंडिया में रेसलिंग को इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है कि यहाँ पे सारे लोग रेसलिंग की स्टोरी लाइन्स में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि भाई अगर यहाँ पे रैंडी ऑर्टन और जिंदर महल का मैच चल रहा है तो लोग रैंडी ऑर्टन को सपोर्ट करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक हीरो कैरेक्टर है। और अभी चाहे जिंदर महल हमारी कंट्री का कैरेक्टर हो लेकिन वो बंदा अभी विलन है, वो बंदा अभी हील प्ले कर रहा है, तो हम यहाँ पे फेस वाले बंदे को ही चूज करेंगे, हम यहाँ पे रैंडी ऑर्टन को ही चूज करेंगे। जहां पे मैंने आपको योकोजुना का एग्जांपल दिया जापान वाला, वहां पे हम यहाँ पे बेसिकली मेक्सिकन सुपरस्टार्स को भी उठा सकते हैं, जहां पे लूचा लिब्रे में इतने सारे सुपरस्टार्स रहे हैं, चाहे हम यहाँ पे बात कर ले रे मिस्टीरियो की, चाहे हम बात कर ले मतलब सिंह कारा की, कलिस्टो की, बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स रहे हैं, चावो गरेरो, एडी गरेरो, बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स रहे हैं जो एक कंट्री से बिलोंग करते हैं लेकिन उनको बहुत अच्छा पुश एक यहाँ पे मतलब काइंड ऑफ धीरे धीरे करके दिया गया। ऐसा नहीं किया गया कि एकदम से उनकी पीक उठा दो, एकदम से उनका एज अ रेशो उठा दो, उसके बाद उसको नीचे गिरा दो, मतलब कि बंदे को अचानक से पुश दो और अचानक से उसको नीचे ले आओ। ये चीज़ WWE में बहुत ज़्यादा खराब होती है और ये सिर्फ हमारे सुपरस्टार्स के साथ नहीं हो रही है, ये काफ़ी सारे और सुपरस्टार्स के साथ भी हो रही है। हम ये चाहते हैं कि भाई किसी बंदे को अगर पुश मिले तो ऐसा पुश मिले जो हमें हजम हो जाए। भाई हमें ऐसा ना दिखाई दे कि जिंदर महल अभी सबसे पिट रहा था और उसके बाद अभी अचानक से वो बंदा आया और वो सबको पेल रहा है, ये हमसे हजम नहीं होगा भाई। और वैसे भी मेरी जितनी ऑडियंस है जिनको इंडियन सुपरस्टार्स पसंद है, मैं उनको एक खुशखबरी दे दूं कि भाई इंडिया से जितनी ऑडियंस उनको देख रही है WWE को, एक प्रॉपर एक अपना इंडियन सुपरस्टार यहाँ पे ग्रो करना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा, ताकि उनकी इंडिया से व्यूशिप ज़्यादा आए, जितनी अभी आ रही है उससे भी ज़्यादा आए। अब वो यहाँ पे वीर महान हो सकते हैं, वो यहाँ पे हमारे सांगा हो सकते हैं, वो जिंदर महल हो सकते हैं, या फिर वो तीनों की टीम इन द शेयर भी हो सकते हैं। तो आप WWE को बस प्यार से देखते रहो। अब जो यहाँ पे नए हेड ऑफ द क्रिएटिव आए हैं Triple H, वो हमें ज़रूर यहाँ पे खुश करके ही देंगे। इसमें WWE की गलती नहीं है और ना ही हमारी ऑडियंस की गलती है। तो यही मेरी आज की कुछ वीडियो थी, मैंने आपको सारी चीजें बताने की कोशिश करी। अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब करो, और अगर आपको रैप वगैरह में इंटरेस्ट है तो आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो हिप हॉपर्स, और अगर आपको कॉमिक बुक्स और यहाँ पे सुपर हीरोज में इंटरेस्ट है तो आप मेरे साइंस फिक्शन वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। हम मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।